इधर आई बटन में आपको पर्ल सुप्रियम चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में देखो हम क्या करने वाले हैं। सीपीएम, ओके, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड का अपन यहाँ पे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो है वीडियो नंबर 8 है। ओके, वीडियो नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर कि अगर आप ये प्रॉब्लम को अगर आप आखिरी तक देखते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में रहेगा। ओके, तो इसके बाद अपन जो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके, तो आपको वहां पे वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टास्क ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, टोटली यहाँ पे ए से लेके आई तक यहाँ पे कुछ टास्क है। टास्क मतलब क्या होता है? एक्टिविटी होता है। ओके, मतलब यहाँ पे ये ए टू आई जो लिखा हुआ, दैट इज माई एक्टिविटीज। ओके, कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट। ओके, द प्रोसीजर रिलेशनशिप्स आर, यहाँ पे दिया हुआ है ए लेस देन डी, ए लेस देन ई, बी लेस देन एफ, डी लेस देन एफ, सी लेस देन जी, एच सी लेस देन एच, एफ लेस देन आई एंड जी लेस देन आई। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ओके, तो ये जो है ए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक डी जो है शुरू नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ए जो है इसका क्या है? प्रेडिसेसर है। डी के पहले कौन होने वाला है? ए होने वाला है। तो आप समझ लो, ओके, जो लेस देन वाले पार्ट में होगा वो क्या होगा? पहले होगा, और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये जो पार्ट आपका ये शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम बाकी को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है। ड्रॉ अ नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट। ओके, पहले मुझे करना क्या है? एक एरो डायग्राम, मतलब एक नेटवर्क डायग्राम मुझे यहाँ पे फॉर्म करना है। ओके, फिर देखो हम क्या बोला है। फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, व्हेन टाइम, ओके, टाइम आपको किस में दिया पे? इन डेज में दिया है। ऑफ ईच टास्क इज एज फॉलोज। ओके, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे दे दिया है टाइमिंग। टास्क के हिसाब से यहाँ पे आपको नीचे जो है टाइम आपको अलॉट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ आपको एकदम अच्छे से विजिबल होगा। देखो नीचे मैं और क्या निकालने बोला यहाँ पे, ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। हमें जो है क्रिटिकल पाथ को भी यहाँ पे निकालना है। ओके, क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा वो भी मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो मुझे करना क्या होगा? पहले मुझे करना क्या है? नेटवर्क डायग्राम को जो यहाँ पे बनाना है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जो रिलेशनशिप यहाँ पे दिए हुए थे उसको मैं यहाँ पे अलग से पेंसिल से लिख लिया हूँ, ताकि यहाँ पर मैं जब ड्रॉ करूँ तो इसको बार बार जो है मुझे ऊपर नीचे करने की जरूरत ना पड़े। ओके, ताकि आपको दिखे कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। देखो पहले मुझे करना क्या है, मुझे समझना पड़ेगा कि जो पहला इवेंट होगा, जैसे मैं आपको पहला इवेंट यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पहले इवेंट से निकलने वाले कितने ऐसे एक्टिविटीज होंगे। ओके, तो ये हम कैसे जानेंगे? जो पहले एक्टिविटीज होते हैं उसके प्रीडिसेसर्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ऐसा उसको अपन लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, ए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक डी जो है शुरू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे डी का जो है ऑलरेडी ए जो है अपना क्या है? प्रेडिसेसर है। तो जो डी है वो अपना जो पहला इवेंट होगा, मतलब डी जो है वहां से अपना पहला एक्टिविटी नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि इसके पहले कोई एक्टिविटी है ए जो कि हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ए के बाद अपना क्या ई होने वाला, तो ई जो है अपना पहला एक्टिविटी नहीं हो सकता है। ओके, तो ये भी कट गया। तो ये यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो भी ग्रेटर वाला पार्ट होगा, ओके, उसको मुझे करना है फिर कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई को वहां पे कट कर चुका हूँ, एफ 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 काट दिया, फिर देखो हाँ जी है, जी काट दिया। ओके, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एच एच को कैंसिल कर लो, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो देखो ये भी अपना क्या हुआ? कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास बताओ फाइनली क्या बचा हुआ? ए बी और सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी ऐसे एक्टिविटीज यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके प्रीडिसेसर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो मतलब ये क्या होंगे? ये होंगे जो हमारे पहले वाले इवेंट से निकल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज माई ए, ओके, एक्टिविटी ए। यहां से मान लो इसको मैं बी दिखा देता हूँ। ओके, यहां से मैं बी दिखा देता हूं, और यहां पर जो है नीचे मैं क्या दिखा दिया? लेट्स सपोज यहां पे मैं सी दिखा दिया। ओके, ठीक है, तो ये हम यहां पे दिखा दिए। अब यहां पे देखते हैं कि एक के बाद क्या आ रहा है। देखो यहां पे डी है। ओके, तो यहां पे दिखा देता हूं मैं डी, इसके आगे मैं दिखाता हूँ क्या बताइए, यहां पे अपना हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है? ई है। ओके, तो ई है मतलब ठीक है, इसके यहां पे और एक दिखा देता हूं मैं ई यहां पे। चलो यहां पे मैं क्या दिखा दिया? पे ई दिखा दिया, लेट्स सपोज। ओके, ठीक है, अपने हिसाब से मैं प्लेस कर रहा हूँ। अगर लगे कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसको रब करके एक और बनाएंगे।
ठीक है ओके। वैसे भी मैं पहले पहले कह चुका हूँ कि वीडियो में 5, 6, 7 जाएंगे तो वहां पे बताया था कि नेटवर्क को ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके तो मुझे ये सब जो जो करना है कहाँ पे करना है इसको मैं रफ में करना है, ताकि जब मेरे को लगे कि हाँ यही अपना क्या है फाइनल नेटवर्क है तो हम क्या करेंगे उसको फिर फेयर करेंगे। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पर आते वी के बाद देखो अपने क्या एफ है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मान लो अपने क्या ये एफ है। ओके ये अपना एफ एक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ डी के बाद अपना क्या एफ आएगा। ओके डी के बाद एफ मतलब ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ओके डी के बाद क्या आएगा अपना एफ आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो अपना क्या है, यहाँ पे डी दिखा दिया अलग से यहाँ पे एफ दिखा दिया। ओके तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं। ओके मतलब मुझे करना क्या है, इसको यहाँ पे जोड़ना है तभी हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे एफ निकलेगा। ठीक है तो इसको ऐसे रहने दो, मैं यहाँ पे एक और दिखाता हूँ। ठीक है तो यहाँ पे लेट सपोज अपने ये क्या हुआ इवेंट, यहाँ पे अपना ए दिखा दिया मैं यहाँ पे इसको। ओके यहाँ पे उसको मैं बी दिखा दिया। ओके ठीक है चलो अब यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सी दिखा दिया लेट सपोज। ठीक है तो ये सब यहाँ पे मैं इसको जो है ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दो थे, ए के बाद क्या अपना निकला हुआ था डी निकला था, ये ई निकला हुआ था। ठीक है तो अगर डी को अगर मैं यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है यहाँ बताओ मैं क्यों जोड़ा, बिकॉज यहाँ पे डी के बाद क्या है एफ है और बी के बाद क्या है एफ है, तो डी और ये बी जब इस इवेंट से मिलेगा तो हमारा अगला इवेंट क्या होगा यहाँ पे एफ इवेंट हो जाएगा। सॉरी जो एक्टिविटी होगा अगला एक्टिविटी जो होगा डी और बी के बाद जो अगला एक्टिविटी होगा वो अपने क्या होगा एफ एक्टिविटी होगा। ओके तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ओके ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं सी के बाद देखो अपना क्या है जी है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे जी एक्टिविटी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे जो ई है ना इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यस इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये अपने कौन सा एक्टिविटी है अपने ये है, अभी भी मैं रफ ही कर रहा हूँ। ठीक है अभी हम क्या करेंगे रफ करेंगे, लास्ट में फाइनलाइज करेंगे कि हाँ भाई ये अपना जो प्रॉपर नेटवर्क है। ओके ठीक है यहाँ तक अपना बन चुका है। अब देखो सी के बाद अपना क्या एच भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे जो मैं यहाँ पे क्या दिखा दिया यहाँ पे मान लो एच दिखा दिया। ओके यहाँ पे मैं एच दिखा दिया, आई होप सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है एफ के बाद आई है और देखो जी के बाद यहाँ देखो क्या है आई है, तो एफ यहाँ पर है और देखो जी यहाँ पर है, मतलब क्या होगा यहाँ पे जो है ये और ये अपना क्या कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ये अपना कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो एक काम करते हैं ए को अपन ऊपर रख लेते हैं बी को जो अपन यहाँ पे रख लेते हैं, मतलब ये जो एरो है ये जो एक्टिविटीज को मैं बी कर लेता हूँ इसको मैं ए कर लेता हूँ, तो क्या होगा ये जो एफ है ये यहीं पे मुझे मिल जाएगा, तो जी को एफ से जोड़ते हुए मैं क्या निकालूंगा मैं आई निकाल लूंगा। ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं कैसे बना रहा हूँ फाइनली, यस ये शायद तक मेरा मेन वाला नेटवर्क हो सकता है, देखते हैं। यस यहाँ पे एक निकल गया यहाँ पे यस इसको मान लो ये अपना क्या है एक्टिविटी भी है। ओके तो ये अपना क्या होगा मान लो एक्टिविटी ए हो जाएगा लेट सपोज, मैं अपना चेक कर रहा हूँ पहले उसके बाद अपन देखेंगे। यस ये अपना क्या मान लो एक्टिविटी सी है। ओके ठीक है अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि बी के बाद अपना क्या है एफ आएगा। ओके तो यहाँ पे अपना क्या आना चाहिए यहाँ पे एफ आना चाहिए। ओके लेकिन यहाँ पे एफ कब आएगा, यहाँ पर देखो बी के बाद एफ है और डी के बाद भी एफ है, तो ओके तो यहाँ पे डी के बाद मतलब इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा तो अपने क्या होगा ये डी एक्टिविटी हो जाएगा। ओके तो बी एक्टिविटी और डी एक्टिविटी के बाद हमारा कौन सा एक्टिविटी अपना हो रहा है यहाँ पे एफ एक्टिविटी हो रहा है। ओके यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ए से हमारे दो एक्टिविटी हो रहे थे, एक के बाद दो एक्टिविटी थे, एक अपना डी था दूसरा अपना क्या था ई था। ठीक है तो यहाँ पे मान लो मैं क्या दिखा रहा हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे ई एक्टिविटी दिखा दे रहा हूँ। ओके मैं यहाँ पे फिलहाल अभी मैं हल्का लिख रहा हूँ, फिर बाद में देखूंगा इसको मैं क्या कर सकता हूँ आगे। ओके ठीक है यहाँ तक अपना हो चुका है। ओके अब देखते हैं आगे क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये डी एफ हो गया सी जी। ओके यहाँ पे अब सी जी करते हैं, सी जी कैसे करें बताओ, देखो यहाँ पे अब जी देखेंगे तो जी देखो अपना कहाँ से मिल रहा है ये आई से मिल रहा है। ठीक है तो यहाँ पे लेट सपोज मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे मान लो मैं जी दिखा दे रहा हूँ। ओके और नीचे मैं यहाँ पे क्या दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे मैं एच दिखा दे रहा हूँ। ओके ठीक है यहाँ पे मान लो मैं जी दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एच दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ओके थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करना था आगे पीछे, चलो ठीक आगे शुरू करते हैं, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है एफ के बाद क्या अपना आएगा आई आएगा और जी के बाद अपना क्या आएगा आई आएगा, तो मतलब ये है कि ये जो दो आपको जो इवेंट दिख रहे हैं वो क्या होगा अपने ये कॉमन इवेंट हो जाएगा, तो देखो हम क्या करने वाले हैं इसको, यस इसको मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ और इसको जो है मैं इसको ये इवेंट को ओके ये अपना क्या हो गया एक्टिविटी जी हो गया, तो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, यस यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखो एफ के बाद क्या है आई है और देखो यहाँ पे क्या है जी के बाद भी अपना क्या है यहाँ पे आई था। ओके तो यहाँ पे मैं आई दिखा दे रहा हूँ,
क्या होगा, एक्टिविटी आई हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके ठीक है, अब यहाँ पर देखो और कुछ है क्या। ए के बाद डी, एक ये आ गया। ए के बाद ई, ये आ गया। बी के बाद एफ, ये आ गया। डी के बाद एफ, इसके बाद ये आ गया। सी के बाद जी, ये आ गया। सी के बाद एच, ये भी आ गया। एफ के बाद आई, जी के बाद आई, एफ के बाद आई और जी के बाद आई। ये अपना हो चुका, मतलब ये अपना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ना तो अपना जो ये अपना क्या स्टार्टिंग इवेंट है, लेकिन देखो यहाँ पे एंड इवेंट कौन से हैं, एक दो और तीन है। तो मुझे करना क्या है, ये तीनों को मुझे यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, यस इसको ऐसे मिटा दे रहा हूँ मैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको लाके इस आई को मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, सही रहेगा। इस आई को जो है मैं आप क्या करूँगा, नीचे लिख लेता हूँ। ये अपना आई नीचे आ गया, तो ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है, ये अपना जुड़ गया, क्योंकि आखिरी में जो इवेंट हो गए वो एक ही होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग इवेंट अपना एक है, तो आखिरी इवेंट अपना क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अलग से है, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से है। अगर अलग से दिख रहा है तो क्या करना, आपको सबको जोड़ना है आपस में। ठीक है, यस। अब इसको भी आप क्या करोगे, इसको लाके इससे आप जोड़ दोगे। यस, जुड़ गया अपना ये, नाउ दिस इज माई इवेंट एच। तो ये जो है हमारा क्या बोल सकते हो आपने, ये अपना क्या बन गया बताओ, नेटवर्क डायग्राम जो है फाइनली बन चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फेयर कर लेंगे पहले, और यहाँ पे ए के बाजू में, बी के बाजू में, सी के बाजू में जो रहेगा वो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे अपन फलकर्सन रूल को अप्लाई करते हुए हर एक इवेंट को अपन नेमिंग भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज वन। ओके, इसको मान लो यहाँ पे टू मान ले रहा हूँ, इसको मैं थ्री मान ले रहा हूँ। ओके, इसको मैं फोर मान ले रहा हूँ, ये मान लो अपना फाइव हो गया, और ये अपना क्या हो गया, सिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखो तो ये हेड है, तो हेड के नंबर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए टेल के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ तीन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे छः, तो यहाँ दो, ये पाँच, ये छः। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ओके है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा क्या फाइनल नेटवर्क बन चुका है। यहाँ पे जो है मैं नंबरिंग कर चुका हूँ, और यहाँ पे अपने क्या एक्टिविटीज हैं, और उसके ब्रैकेट में क्या क्या देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। वैसे ई को, ई को, ई एक्टिविटी करने के लिए हमको कितने चाहिए, 16 चाहिए। एफ के लिए कितना चाहिए, 17 चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं सभी एक्टिविटी के बाजू में ब्रैकेट में क्या क्या यहाँ पे उसके नंबर ऑफ डेज को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस। अब मुझे करना क्या है, हर एक एक्टिविटी के नीचे में यस यहाँ पे ई लिखेंगे और यहाँ पे एल लिखेंगे। ओके, तो ई एल हम इसलिए लिखेंगे बिकॉज ई अपना क्या होता है, यस ई अपना होता है अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम। ओके, और एल अपना क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। क्योंकि मुझे करना क्या है, हर एक इवेंट का ई निकालना है और एल निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, चलो शुरू करते हैं। यस, यहाँ पर देखो क्या लिखा वहां पे, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। ओके, ये हम कब, इसको हम कब अप्लाई करेंगे, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ओके, ई हम कहाँ कहाँ निकालते हैं, हर एक इवेंट पे निकालते हैं। तो ये अपना ई क्या होता है, अर्लिएस्ट स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हो, या फिर इसको अर्लिएस्ट अकरेंस टाइम भी बोलते हैं। ओके, बुक में इसको अर्लिएस्ट स्टार्टिंग टाइम भी दिया हुआ है, और इसको क्या बोलता है, अर्लिएस्ट अकरेंस टाइम भी बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हर एक का ई पहले निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ई लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे एल लिख दूंगा। यस, वैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ई लिखेंगे और यहाँ पे एल लिखेंगे। वैसे इसका लिख दिया हूं मैं, फाइव पे आ जाओ। ओके, फाइव पे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ई मिलेगा और यहाँ पे एल मिलेगा, और यहाँ पे फाइनली क्या होगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये एल हो जाएगा। ओके, ठीक है, हमको करना क्या है, हर एक का निकालना है। ओके, हर एक का ई और एल निकालेंगे, बट पहले हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। ई मतलब क्या होता है, अर्लिएस्ट स्टार्टिंग टाइम, या फिर अर्लिएस्ट अकरेंस, अकरेंस। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओके अर्लिएस्ट स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हैं, फिर अर्लिएस्ट अकरेंस टाइम भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। यस, ई वन निकालना, ई वन मतलब क्या होगा, यस इवेंट वन पे ई की वैल्यू। ओके, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, इनिशियली हम क्या मानेंगे, ई को जीरो मानेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि इवेंट हमारा वन जो है इसके कोई टाइम नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब हम यहां से यहां पे जाएंगे, ओके जब मैं वन से टू पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, देखो पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो। ओके, ठीक है, अब यहां पे आते हैं, देखो अब मुझे क्या चाहिए, ई टू का वैल्यू चाहिए। ई टू मतलब क्या होगा, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, यस देखो यहाँ पे जीरो था, और इस एक्टिविटी करने के कितने चाहिए अपने, कहाँ पे 8 डेज चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 + 8। ओके, तो ये मुझे कितने मिलेगा बताओ, 8 मिल जाएगा। ओके,
यहाँ पे कितना था, 0 था, और इस एक्टिविटी को करने के लिए देखो मैं यहाँ पे 2 पे हूँ कि नहीं। 2 के लिए देखो तो यहाँ पे देखो हेड कौन सा है, ए का है। ये जो हेड है कहाँ से है बताओ तो, 1 से है कि नहीं। ये जो एक्टिविटी है ये कहाँ से है आपका, 1 से एक्टिविटी शुरू हुआ और 2 पर खत्म हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो रहा है। हम देखेंगे आगे जहाँ पे 2 या फिर 2 से अधिक एक्टिविटी होंगी वहां पे इक्वल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट अकर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यस तो यहाँ पे अपना क्या होगा बता, इक्वल दैट इज 8, फाइन। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ई थी निकालेंगे। ओके मतलब यहाँ पे निकालेंगे इक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखें देखें अपन लोग तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी आके यहाँ पे फिनिश हो रहा है, एक डी एक्टिविटी है और दूसरा अपना क्या बी एक्टिविटी है। ओके तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी है कि नहीं, तो यहाँ पे जो है ये बी एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे अपना ई कितना 0 था। ओके तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या 10, तो यहाँ पे कितना चाहिए 10 आना चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे देखूंगा मैं, ओके यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एक्टिविटी के लिए कितने दिन चाहिए, अपने 10 दिन चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे टोटल कितना वहाँ पे अपने को आने में 18 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, ई अपन कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, जब भी मैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन यूज कर रहा हूँ तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, ई निकाल रहा हूँ। और जब भी कभी आपके पास 2 या 2 एक्टिविटी से अधिक आ रहा है, ओके जब भी आपके पास 2 या 2 एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम। ओके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, यहाँ पर देखो क्या है ये 0 प्लस यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे बताओ कितना है 8 है और यहाँ बताओ क्या है अपना 10 लिखा हुआ है, तो जोड़ो कितना होगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 10 और 18 में, यस 18। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे E3 इक्वल दैट इज 18। आई बात समझ में, आई होप आपको यहाँ पे जो है क्लियर हो चुका होगा। अब E4 पे आते हैं मतलब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखो कौन सा एक्टिविटी आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी फिनिश हो रहा है बस मुझे ये देखना है। तो यहाँ पे कितना एक्टिविटी बता फिनिश हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिविटी है। ओके दैट इज सी। तो यहाँ पे तो वैल्यू कौन सी आएगी, यस 0 प्लस 8 कितना आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 प्लस 8 दैट इज हाउ मच 8। ये हो चुका था क्लियर, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो कितने ऐसे एक्टिविटी जहाँ पे बता फिनिश हो रहा है, एक ये एफ एक्टिविटी है, दूसरा अपने कौन सा ये अपना जी एक्टिविटी है। ओके तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 एक्टिविटी है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ, ओके मैक्सिमम ऑफ कौन से 2 वैल्यूज देखो यहाँ पे, यस आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे अपना कितना था, यस 18 प्लस 17। ओके 18 प्लस 17 अपना कितना होगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। ओके और दूसरा बताओ कौन सा होगा यहाँ पे, यस जो यहाँ पे ई के वैल्यू से दैट इज 8 प्लस ये जो एक्टिविटी के लिए आपको जो ड्यूरेशन चाहिए दैट इज 18। 18 प्लस 8 अपने कितना होगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दूँ वहाँ पे 26 लिखूंगा। ठीक है फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। अब 6 पे आएंगे, तो 6 पे जब आऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी ये ई खत्म हो रहा है यहाँ पे, एक आई खत्म हो रहा है और दूसरा तीसरा तो कौन सा खत्म हो रहा है यहाँ पे, एच खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 3 वैल्यूज हैं जिनका मुझे क्या निकालना है पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 इवेंट्स, ओके मतलब 3 यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है। तो देखो पहला अपना कौन सा आएगा यहाँ पे अच्छे से लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो अपना कौन सा आएगा, ये ई एक्टिविटी वाला लेता हूँ मैं, तो ये ई एक्टिविटी के कितना दिन चाहिए अपने को, 16 डेज चाहिए, प्लस इसके पहले का अपना ई बताओ कितना है 8 है, तो 8 प्लस 16 अपना कितना यहाँ पे 24 हो जाएगा। ओके देखो आप 24 लिख दिया मैं। ओके वैसे देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के लिए आते हैं, ये एक्टिविटी अपने कितना है 9 है और यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं ई की वैल्यू को नहीं लिखा ना, तो देखो यहाँ पे ई 5 की वैल्यू वहाँ पे कितनी थी, यस दैट इज 35, तो यहाँ पे मैं 35 लिख दूंगा। ओके तो 35 प्लस 9 अपना कितना वहाँ पे 44 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यस दैट इज 44 लिख दिया। और तीसरा बताओ कौन सा आएगा यहाँ पे, 14 है और यहाँ पे क्या 8 है। ओके तो यहाँ पे 14 प्लस 8 अपना कितना होगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बताओ 22 लिख दूंगा, लिख दिया। अब मैक्सिमम अगर तीनों में चेक करेंगे तो कितना आएगा अपने यहाँ पे 44 आएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा होता है यहाँ पे 44, आई बात समझ में। तो ये जो 44 मुझे मिला ना यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो 44 मुझे यहाँ मिला है इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे, यस ये जो 44 मिला है ये अपने क्या होगा, यस दिस इज माई, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके या फिर आप ये बोल सकते हो यही अपना क्या है लॉन्गेस्ट पाथ है, इसी को और क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट पाथ भी बोलते हैं। ओके या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं वैसे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली
चलो ठीक है, आपको आगे देखेंगे, फिर आगे एक एक चीज क्या आपको बताते रहूंगा मैं। यहीं से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, और ध्यान रखिएगा जितना ई की वैल्यू यहाँ पे होगी उतना ही वैल्यू क्या होगी एल की वैल्यू हो जाएगी। एंड वैल्यूज जो है आपस में क्या होता है सेम होना चाहिए। ओके ठीक है, तो यहीं से अपन जब एल के लिए अपन जब निकालें दैट इज बाई यूजिंग बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, उसको हम कब यूज करेंगे जब हमको निकालना है एल की वैल्यू। ओके तो एल के लिए निकालने तो हम क्या करेंगे पीछे से आएंगे। ओके बैकवर्ड लिखा है, फॉरवर्ड मतलब ई निकाल रहे हैं, और बैकवर्ड मतलब क्या होगा अपना ये एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, सिक्स से शुरू करना है, और कहाँ से जाना बताओ अपने को वन पर चलना है। तो अगर सिक्स से शुरू करना है तो यहाँ पे एल की वैल्यू को अपन क्या लेंगे यहाँ पे जो ई की वैल्यू थी। ओके अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि प्रोजेक्ट जो है कितने में खत्म होगा, ओके तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी। ओके क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या सेम है, तो यहाँ पे चाहो तो आप ई की वैल्यू बोलो या फिर एल की वैल्यू बोलो, दोनों क्या होगा ओके। ठीक है चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन को यूज करते हुए एल की वैल्यूज को निकालेंगे। ओके अब हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन को यूज करते हुए क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे। एल का मतलब क्या होता है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम या फिर लेटेस्ट अकरेंस टाइम। ओके दोनों को एल ही अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो एल सिक्स निकालना, तो एल सिक्स की वैल्यू क्या होगी मैं बता चुका हूँ, जो यहाँ पे आखिरी ई की वैल्यू होती है उसी को अपन क्या लेंगे एल की वैल्यू लेंगे। और ये एल कहाँ बताओ सिक्स पे है कि नहीं, तो अपने एल सिक्स की देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी जाएगी 40 हो जाएगा। ओके ठीक है ये अपना क्लियर हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, यस 5 पे आएंगे, अब 5 पे आना है अपने को ना। तो जब 5 पे अपने को आना है तो देखना है बस है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, कौन सा ऐसा सॉरी प्रोजेक्ट नहीं मतलब कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा शुरू हो रहा है, आई शुरू हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है यहाँ पे देखेंगे ये 44 माइनस 9। ओके यहाँ पे कौन सा ऐसा एक्टिविटी जो शुरू हो रहा है, कितने एक्टिविटी यहाँ पे, सिर्फ एक ही एक्टिविटी शुरू हो रहा है एंड दैट इज आई। तो यहाँ पे आई को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए आप, अपने 9 दिन चाहिए। तो 44 हम क्या करेंगे 9 को माइनस कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा L5 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ठीक है दैट इज 44 माइनस 9, और ये मुझे कितने मिलेगा पे 35 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे करना क्या पे L4 निकालना है, L4 मतलब यहाँ पे आना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से बताओ अपने कितनी एक्टिविटी शुरू हो रही है, एक ये एक्टिविटी है, दूसरा अपना कौन सा ये वाला एक्टिविटी है। ओके तो मैं आपको बताया था फॉरवर्ड केस में हम क्या लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जब भी कभी वहाँ पे आपकी दो एक्टिविटी आती है, वहाँ पे क्या एक्टिविटी फिनिश हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्या एक्टिविटी यहाँ पे जो है शुरू हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मैक्सिमम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे मिनिमम लेंगे। एल के वक्त हम क्या करते हैं मिनिमम लेते हैं, और ई के वक्त हम क्या लेते हैं मैक्सिमम लेते हैं, ये डिफरेंस है। ओके तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखा पे मिनिमम लिख दिया। ओके अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज कौन से होंगे उसको भी अपन देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखो यस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी थी 35 थी, यहाँ पे आई के लिए यहाँ पे कितनी थी सॉरी एल के लिए यहाँ पे कितनी थी 35 थी। ओके देख लो यहाँ पे 35 था यहाँ पे यस। आगे बढ़ते हैं, अब 35 में 18 माइनस करूंगा मैं, ठीक है तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 17 मिलेगा अगर मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा अपना ये एक 17 वैल्यू हो गया। ठीक है और एक और देखो कौन सा वैल्यू आएगा, 4 पे आना है मुझे, पीछे से आना है। तो कहाँ से आऊंगा मैं, एक 5 से आऊंगा एक 6 से आऊंगा मैं, तो 5 से आया मैं, तो 5 पे एल की वैल्यू कितनी 35 थी, और 35 से देखो हम क्या कि यहाँ पे 18 को माइनस कर दिया। वैसे यहाँ बताओ एल की वैल्यू कितनी थी 44 थी, और यहाँ जब वापस आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा ये जो है 14 जो है 40 से जो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 30 बचेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। ठीक है यहाँ पे लिखा हो मिनिमम वैल्यू ऑफ 17 एंड 30, क्या होगा यहाँ पे 17, आई बात समझ में। ओके अब हम कहाँ निकालेंगे, एल निकालेंगे 3 पे, तो यहाँ पे आ जाओ 3 पे आ जाओ आप यस, अपना कहाँ पे 3 आ गया। तो 3 के देखो तो यहाँ पे कौन से कितने ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पे फिनिश हो मतलब शुरू हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिविटी दैट इज एफ। तो यहाँ पे देखो अपने क्या है एल की वैल्यू 35 है, और यहाँ पे अपने क्या 17 है, तो 35 माइनस 17 विल गिव मी L3 कितना होगा यहाँ बताओ, L3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 18 आ जाएगी। ओके तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले L4 की वैल्यू दैट इज हाउ मच 17, देखो यहाँ पे L4 की वैल्यू कितनी थी 17 थी, तो यहाँ पे लिख लिया। अब 3 पे निकालना है तो करना क्या है बताओ माइनस करना है बस, कौन सा बताओ आपको माइनस करेंगे यहाँ पे यस यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 35 और यहाँ पे लिखा है 17, तो 35 माइनस 17 मतलब क्या होगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 लिखेंगे यस, ये 18 बताओ कहाँ से आया, ये अपना 35 माइनस 17 से आया। ठीक है अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है L2 निकालना है, तो L2 निकालना है बस, तो L2 देखो यहाँ पे यस 2 यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे कितने एक्टिविटी शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक ई एक्टिविटी है, दूसरा अपने क्या है डी एक्टिविटी है। मतलब अगर मुझे पीछे से अगर 2 पे आना तो कहाँ कहाँ से आऊंगा, एक 6 से आऊंगा, एक अपने क्या है 3 से आऊंगा,
तो अगर 6 आऊंगा तो 44 माइनस 16 मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 28 मिलेगा। 44 माइनस 16 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है सही है। तो यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे तो मिनिमम ऑफ 28, ओके। और एक और वैल्यू होगी जो अपने यहाँ से कहाँ निकलेगी, फीस निकलेगी। तो 3 पे देखो कितने वैल्यू यहाँ पे, एल की वैल्यू, यस यहाँ पे कितनी थी, यस यहाँ पे 18 था, ठीक है ओके। तो यहाँ पे 18 लिख दिया, और 18 देखो हम क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 8 आएगा ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 28.8। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 28 और 8 में से दैट इज 8 हो गया, ठीक है। तो L1 की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो यहाँ पे, अगर सॉरी अगर मुझे L1 पे आना है, तो L1 पे अगर आना, तो एक यहाँ से आऊंगा, एक यहाँ से आऊंगा, एक यहाँ से आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी L2 की, दैट इज 8, यहाँ पे मैं लिख लिया ओके। अगर यहाँ से आना है तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या 8 है, तो यहाँ पे क्या 0 हो गया। यहाँ से अगर आना है तो यहाँ पे क्या 18 है, और यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा 8 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 17 है, और यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ के लिए कितना 8, और यहाँ के लिए कितना 9। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ, यस मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, 8 एंड 9। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो है हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्म भी जो है अपना 0 मिल चुका है। तो यहाँ पर देखो तो हर एक इवेंट पे जो है हम क्या निकाल चुके होते हैं, यहाँ पे यस ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, और आई ई की वैल्यू और एल की वैल्यू सो जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस हम यहाँ पे एल और ई निकाल चुके, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल पाथ निकालने का रहेगा। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, यस फॉर क्रिटिकल पाथ फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। वो ये है कि ई इक्वल्स टू एल फॉर, यहाँ पे ये हेड होगा ओके, ई इक्वल्स टू एल होगा, कब होगा बताओ, हेड इवेंट के लिए ओके। जो भी हेड इवेंट होंगे उस पे क्या होगा अपना, इक्वल्स टू एल होगा, और जितने भी टेल इवेंट्स होंगे वहां पे क्या होगा अपना, इक्वल्स टू एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई इक्वल्स टू एल कहाँ कहाँ पर है, हेड और टेल इवेंट्स पे, यस देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, यस यहाँ भी है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं ये वाला ओके, यहाँ से तो नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये देखो अपने क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक और चीज है, देखो अगर मैं इसको फॉलो करते चलूंगा ना, मैं जहां बताओ क्या लिखा हुआ है, यस इक्वल्स टू एल फॉर हेड इवेंट, इक्वल्स टू एल फॉर टेल इवेंट ओके। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे कितने अपने क्रिटिकल पाथ निकल रहे हैं, एक ये निकल जा रहा है और दूसरा ये वाला निकल जा रहा है, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पे अपना 0 है ओके। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ देखो सेम है। तो इस वाले पाथ को भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ओके, इस वाले पाथ को भी देखो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से अगर यहाँ पे आऊंगा ओके, तो यहाँ पे गए 30 और 35 कॉमन है कि नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे अपन जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कितने, तीन तीन ऐसे पाथ हैं जहाँ पे एक ये वाला है, एक ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। बट यहाँ पे मुझे ये समझना पड़ेगा एक और जो कंडीशन है वो भी आपको जो है फुलफिल होना चाहिए, कौन सा बताओ, यस थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, यस ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लो फिर ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो, ई जे माइनस ई आई इक्वल्स टू एल जे माइनस एल आई मस्ट बी इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी ओके। जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा ई का ओके, जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 एक्टिविटी ले रहा हूं मैं, तो E2 माइनस E1 क्या होना चाहिए, L2 माइनस L1 के इक्वल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, तो अपने एक्टिविटी के बराबर होना चाहिए ओके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अपन ओके, तो यहाँ पर देखो इसको इसे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला बताओ, 8 के बराबर हुआ कि नहीं, मतलब ये जो है फिजिबल है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे क्रिटिकल पाथ में इसको मैं काउंट कर सकता हूँ ओके, ठीक है। दूसरे देखते हैं, पहले देखते हैं ये अपना फिजिबल है कि नहीं ओके, इसको मैं क्रिटिकल पाथ ले सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है 44 है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या 44 है, यहाँ पे क्या 8 है, दोनों तरफ से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 36 मिलेगा। बट यहाँ पे देखो जो ड्यूरेशन अपना मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे देखो क्या है 16 है, तो ये अपना क्रिटिकल पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ये अपना क्या है 0 है, यहाँ पे क्या 18 है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 10 है, तो इसको इससे माइनस करने पे कितना 18 आएगा, बट ये अपना क्या लिखा है 10 लिखा हुआ है, तो ये भी अपने क्या है, क्या होगा क्रिटिकल पाथ में नहीं आएगा। तो क्या होगा मतलब क्लियर है कि ये जो है ये अपना क्रिटिकल पाथ में आएगा ओके मतलब मैं आपको कौन सा बताया था, तीन बताया था पहले क्रिटिकल पाथ हो सकता था, एक ये दूसरा ये और तीसरा कौन सा था, ये वाला था। तो ये तो फिजिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो है ये
थर्ड वाला जो रूल है अपना ये फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका इसको माइनस करने से अपने को ये नहीं मिल रहा है। ये वाला भी जो अपना फॉलो नहीं हो पा रहा, बिकॉज इसको इसे माइनस करने पे ये जो 16 है ना इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और ये आएगा भी। क्यों देखो, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये अपना 18 को 8 से माइनस करो, 18 को 8 से माइनस करो, कितना अपना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो इसको मिले लिया क्रिटिकल पाथ में। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एल और ई के यहाँ पे कितना, 35 है कि नहीं, और यहाँ बताओ क्या दोनों की वैल्यू 18 है, तो माइनस करो क्या आएगा अपने पास, 17 ही आएगा। तो इसको भी जो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल पाथ इसको शो करेंगे, और यहाँ पे लास्ट मारो, दैट इज 44 माइनस 35, 44 माइनस 35 कितना आएगा यहाँ पे, 9 ही आएगा। ओके, दोनों का डिफरेंस, तो ये अपने क्या होगा, क्रिटिकल पाथ। ओके, तो क्रिटिकल पाथ को जो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बोल्ड लाइन या फिर डबल लाइन इसको अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखो, मैं वही चीज यहाँ पे लिखा हूँ मैं, द एक्टिविटीज 1, 2, 2, 3, 3, 5 एंड 5, 6 फॉलोज द अबव कंडीशंस, हेंस वी कैन से लाइक यस, ये अपना क्या है, द क्रिटिकल पाथ इज 1, 2, 3, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यस, ये अपना क्या बताओ, 1, 2, 3, 5, 6, ये अपना क्या होगा, फाइनली क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में ना आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, ओके, जो स्पेशली आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा, या फिर हो सके आपकी यूनिवर्सिटी पेपर में दो नंबर का पूछ सके। ओके, थैंक यू।